हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज है संडे एंड सुबह के बज चुके हैं 10 और अम्मी जा रखे हैं मैच खेलने के लिए। तभी को मैंने जस्ट अभी नहलाया है और बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। पता नहीं फिर भी अमित कैसे चले गए इतने ठंडे में। हमारा तो उठने का भी मन नहीं करता। अब भी जस्ट उठी हुई है, वो मैंने कहा हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो पता नहीं कब आएंगे, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर मेरा पानी भी गर्म हो रहा है, फिर मैं नहाऊंगी। सो गाइस, यहाँ पे तन्वी के लिए बन चुका है आलू का पराठा। एंड ये गाइस है जो परसों में अचार लेकर आई थी, खट्टा मीठा वाला आम लेकर वो लाई थी ना, ये देख सकते हैं हमने आधा डिब्बा ख़त्म कर दिया तन्नू और मैंने। ये वाला हमने ख़त्म कर दिया। तो तन्वी के लिए पराठा और उसका अचार रेडी है और दूध भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे लो बेटा, खाओ। यहाँ पे हीटर में बैठ के खाओ, यहाँ पे आओ, नीचे आओ बेटा। मैंने अब भी बिल्कुल साफ करके बिस्तर बिछा रखा है, ऐसा मत करो ना प्लीज, मानती नहीं है। लो लो फिर लो। सो गाइस, मैंने एक घंटे से पानी यहाँ पे देख सकते हैं गर्म होने के लिए लगा रखे हैं और अभी तक गर्म ही नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा तब तक दाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल उबाल दी थी। खा लिया ब्रेकफास्ट, हो गया हो गया। आज कितने दिन में नहाया मेरे बच्चे ने, बता दो बता दो। 8 दिन में 8 तारीख को नहाया था आपने, 7 डेज बाद नहाया आज। प्याज काट रहे थे, देखिए गाइस प्याज सारी हमने हरी प्याज उगा दी है, यहाँ सारी प्याज हरी हो गई है, सब में ही आ चुके हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो भी है मतलब ये ऐसा हो गया है, सब हरी हरी बन गई है सारी प्याज। कुछ कुछ प्याज बचे हुए हैं, तो ये वाली प्याज का इसका तो ऊपर मैं तड़के अड़के में डाल देती हूँ, तो सही लगता है, अच्छा सा लगता है, मतलब टेस्ट आ जाता है। इनका सबका मैं ही काट देती हूँ, तड़के में डाल देती हूँ, बाकी प्याज को काट लेते हैं। सो गाइस, अभी सब्जी वाला आया था तो उससे मैंने 2-3 सब्जियाँ ले ली, मतलब आलू भी परसों ही ले रखे थे कल, तो गोभी और प्याज ले लिया, आलू ले रखे थे, टमाटर भी ले रखे थे, तो 2 सब्जियाँ ले ली। मेरे को जाना तो बाजार था, बाजार से जाना है, पर जाएँ कैसे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अमित आएंगे ना, वो तो नहीं जाने वाले हैं, और मेरा राशन भी लेकर आना है, मतलब तेल वेल आटा ख़त्म हो रखा था, तो वो सामान भी लाना है, बट क्या कर सकते हैं। सो गाइस, 11 बज चुका है एंड अमित अभी तक आएंगे, 12 बजने वाला है गाइस। और मेरा पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है यार, हद हो गई है, ऐसा पानी हो गया है, भगवान देखना जरा। अब हल्का सा धुआं निकल रहा है, ये क्या हो गया, मैंने पूरे 1.5-2 घंटे हो जाते पानी लगाए लगाए, तो अब जैसा भी हुआ है ऐसे ही पानी से नहा लेती हूँ। तो महान क्रिकेटर अमित सिंह अधिकारी, 3 घंटे का T20 मैच खेल के वापस आ गए आप, ट्रॉफी जीत गए आप, समोसे जीत गए, समोसे जीते पता, 3 घंटे ठंडा नहीं लगा तुम, कैसे खेल रहे थे, और पट्टा अब धूप आई है देखो, अब आई ना, अब भी तो आई, जस्ट फर्स्ट क्लास धूप आ गई। अब सुबह से नहीं आई, रोज 9 बजे छट जाता, आज सुबह नहीं छटा, पानी गर्म करके चिड़चिड़ाहट, नहाओ पहले। हम लोग आ गए हैं स्मार्ट, यहाँ से खरीदेंगे अपना सामान, तुम यही बोल रही है आने के लिए मैडम, चलो। तो गाइस, थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो हमने कर ली है एंड अब बिलिंग करा लेते हैं इनकी। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं, तो ठंडा हो गया ना, मेरे नाक बहने लग गई, भयंकर वाला ठंडा हो गया। अब गोलगप्पे खाऊंगी तो मेरा मन रो रहा, तुम खिलाएगी गोलगप्पे, एक गोलगप्पे खाएगी, गोलगप्पे कुछ नहीं खिलाते हमें, ले जाते हैं और कुछ खिलाते नहीं है, और हम पेस्ट्री लाए, हम फिर हम भी पेस्ट्री ले आए, खुद ही खा लिया करो। तो गाइस, मेरा मन था गोलगप्पे खाने का, मैंने चलो गोलगप्पे खाएंगे वहाँ, फिर रात भर खांसोगे, करोगे वो करोगे, करने लग गए थे, तो बहुत ठंडा हो रहा है गाइस, गर्म गर्म चाय बनाए जाए, पकौड़े खाओगे, आज कैसे मना कर दिया तुमने, जान बुझ के मना किया है, अभी ब्लॉग हटेगा ना तो तुरंत बोलेंगे बना दे, चल सच बताओ चलो, तुम खाओगे पकौड़ी, पियो तो चलो, क्यों, अरे जब हम दिल्ली गए थे वैसा ही जूस, दिल्ली गए थे वैसा ही वाला जूस है, वैसा ही ना, बहुत टेस्टी है, तो नहीं पापा को मत दिखाओ, तनु मत दिखाओ, पापा ने हमें खिलाया, कुछ खिलाया तनु पापा को, ये है पापा के चमचे, पापा को खिला दिया पापा, और उसके डील हो रखी थी तभी, क्या डील हो रखी थी, कितना टेस्टी हो रहा है, ऐसा हम भी आते, मुझे लगा गंदा होगा ये, बताओ बताओ पकौड़ी खाओगे, नहीं चाय के साथ, चाय चाहिए, गर्मा गर्म पकौड़ी नहीं चाहिए, चलो ठीक है। आज जो ठंड हो रही है ना भयंकर, एकदम टावर तोड़ वाली ठंड हो चुकी है, तो भैया पूरा पैक हो जाता है। एंड गाइस, बन चुके हैं 7:15 और अभी तक वही सामान वामान था जो
वही निकालने उखाने में लगी हुई थी एंड गाइस तन्वी आज ने ये लेकर आई है। देखते हैं कैलॉग्स का फ्रूट लूप्स। और ये इतने गंदे हो रहे हैं, इतने गंदे, इसका टेस्ट इतना गंदा है ना, दिखा दूँ किस टाइप के ये इस टाइप के। और मतलब एक वो नहीं आती थी टॉफी जिसकी टेस्ट तो दवाई जैसा होता था, उसकी जैसा है ये। और उसने देखिए मैंने डाला उसके लिए दूध में और उसने नहीं खाया, तो मैं अमित से मना करती थी, मैंने कहा नया नया एक्सपेरिमेंट मत करो क्योंकि वो चॉकोस खाती है, चॉकोस ही ले जाएंगे, बट वो माने नहीं। और वो भी नहीं मानी उनकी लड़की, नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए, पता नहीं उसने क्या देखा इसमें तोता जैसा बनाया है कुछ अच्छा सा है तो यही ले जाना है करके, तो ले आई मैडम और खाया नहीं, अब चॉकोस लाने पड़ेंगे कल। सो फिलहाल अभी मैं बना रही थी सूजी का हलवा, गर्म हो रहा है वो मतलब ठंडा हो रहा है, मेरा मन था पकौड़े बनाने का बट अमित कह रहे हैं पकौड़े वकौड़े खाने का मन है नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना गर्मा गर्म हलवा बनाया जाए। तो अभी दिन रात ही खाने का कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब क्या बनेगा करके, दाल भी बची हुई है, चावल बचे, चावल तो खाएंगे नहीं अब रात को, आटे गूंथ के रोटी बनानी पड़ेगी, तो रोटी वोटी बनाऊंगी, पर अभी बहुत टाइम है, बहुत जल्दी है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर स्नैक्स में लाइस टाइप का हलवा वगैरह खा लेते हैं। ये बोल दी हाँ, चलो तो बताओ दोस्तों को हमने क्या क्या किया, खाना खाया आपने? तो दोस्तों को भी बता दो खाना खा लिया है। खाना खा लिया, अब हम सोने जा रहे हैं। आज बहुत ठंडा हो रहा है, ये नहीं पता है? आज ठंडा हो रहा है हाँ? और हम दो दो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। हाँ, दो दो कंबल ओढ़ रहे, दिखाओ जरा एक ये। हाँ, अंदर से। और पापा भी आप देखो जरा कपड़े पहन के सो रहे, नहीं तो पापा इनर में ही सो जाते हैं, है ना? और फिर आप क्या कहना चाहती हो? आई होप तन्नू को पोटी लगी है, तो तन्नू पोटी करके आए, ससुर लगी तो ससुर करके आए। इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, तो बाय टाटा गुड नाइट। पापा तो उल्टी बातें करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद, ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नीचे बेल बटन क्लिक कर दो, तो के बाद फिर आते हो गुड नाइट सुबह मिल जाए। आई होप तन्नू तुम्हें ससुर ना लगी होगी, अगर ससुर लगी तो ससुर करके आओ तब जाके सोना। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।